अगर आप एक साल से घर के अंदर बंद हैं और सोचते हैं कि अब लाइफ में कुछ एक्साइटिंग होना चाहिए यार, कुछ एडवेंचर करने जाते हैं, कहीं घूम के आते हैं, तो उत्तराखंड से आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। जी हाँ, उत्तराखंड में त्योहारों का दौर शुरू होने वाला है और सबसे पहला त्यौहार जो आ रहा है वो है टिहरी लेक फेस्टिवल। आज यानी 16 फरवरी से टिहरी लेक फेस्टिवल शुरू हो चुका है। जय हिंद। मैं अनुपंत स्वागत करता हूं आप सभी का tappings.live के आज के एपिसोड में। तो आज हम बात करेंगे कुछ 5 खबरों की और उन 5 खबरों के पीछे हो सके तो कुछ फैक्ट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं टिहरी लेक की। टिहरी लेक जो कि अपने अंदर एक पूरे शहर को समाये हुए है, टिहरी लेक फेस्टिवल आज से शुरू हो चुका है। आप आते हैं अपनी गाड़ियों में, लुत्फ उठा सकते हैं हसीन वादियों का, लुत्फ उठा सकते हैं वाटर राइड्स का। लेकिन चाचा विधायक हैं हमारे वाले एटीट्यूड से बॉस मत आइएगा, क्योंकि होता क्या है ना कि जब भी कोई फेस्टिवल खत्म होता है तो सामना करना पड़ता है उत्तराखंड को कचरे का, प्लास्टिक की बॉटल्स, रैपर्स, कूड़ा कचरा। तो आपकी मदद चाहिए इस फेस्टिवल को सक्सेसफुल बनाने के लिए। लेकिन क्या आपको पता है कि सफाई की हम बात कर रहे हैं और टिहरी लेक की बात कर रहे हैं, इन दोनों से जुड़ी हुई एक और खबर है। टिहरी स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी एक अथॉरिटी हुआ करती थी जिसका काम था इस बार के लिए टिहरी लेक की सफाई करना, उसके लिए बिड्स बुलाना, और उसका पहले भी उसकी काफी सक्रिय भूमिका रही है टिहरी लेक में फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज करने के लिए या टिहरी लेक में ये वाटर स्पोर्ट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए। लेकिन हुआ कुछ यूं कि एक मीटिंग बुलाई गई सरकार द्वारा टाडा की, और ये मीटिंग एक बार बुलाई गई, उस समय इनसे बात की गई कि भाई इनको क्या क्या काम करने हैं। लेकिन दूसरी मीटिंग बुलाए बिना ही विदाउट एनी कारण बताओ नोटिस, मतलब कोई भी रीजन ना देकर इस अथॉरिटी को लगभग रद्द कर दिया गया। और अब जैसा कि होता ही आया है, जब कोई अथॉरिटी को ख़त्म करता है तो उसके पीछे के रीजंस बहुत सारे होते हैं, या तो कोई और पसंद आ गया हो, होता है ना कि कभी नया इश्क परवान चढ़ जाता है, तो सरकार के साथ भी शायद कुछ ऐसा ही हुआ होगा। लेकिन हाईकोर्ट में शिव सिंह नेगी जी, जो TSADA के एक अहम योगदान जिनका रहा है और टूरिज्म को समझने वाले व्यक्ति, उन्होंने एक रिट दायर की है हाईकोर्ट में। अब देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन बहरहाल सफाई की अगर हम बात करें तो क्योंकि TSADA का काम पूरा नहीं हो पाया, TSADA को समय पूरा नहीं दिया गया और उसे रद्द कर दिया गया, तो सफाई पूरी वहाँ के अंदर भी नहीं है। तो आप ऐड मत करिएगा गंदगी को। अगली खबर में हम चलते हैं तो बात करते हैं बद्रीनाथ की। बद्रीनाथ का फेस्टिवल भी शुरू होने वाला है। मैं इसे त्यौहार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उत्तराखंड के लोगों के लिए ये त्यौहार से छोटी बात नहीं है। जी हाँ, बद्रीनाथ के द्वार खुलने वाले हैं। बद्रीनाथ के द्वार खुलने की तिथि जो है वो आज के दिन तय होती है हमेशा से, और आज भी परंपरा के अनुसार तिथि तय की गई बद्रीनाथ धाम के द्वार को खोलने की। और राजा मनुजेंद्र शाह जी ने परंपरागत तरीके से तारीख निकाली 18 मई। 18 मई को द्वार खुलेंगे बद्रीनाथ के, तो टिहरी लेक फेस्टिवल के बाद आप जा सकते हैं बद्रीनाथ। ये बद्रीनाथ की अगर हम बात करें, बद्रीनाथ मंदिर की बात करें, तो एक और शब्द इसके साथ जुड़ा है जिसको हम बोलते हैं बोलंदा बद्री। क्या आपको पता है कि पहले उत्तराखंड में टिहरी के राजा को बोलंदा बद्री बोला जाता था? जी हाँ, बोलंदा बद्री यानी बोलता हुआ बद्रीनाथ, यानी कि भगवान की बात कहने वाला व्यक्ति। राजा को माना जाता था कि वो भगवान की बात कहता है या स्वयं भगवान का दूसरा रूप है। अगर आपको राजशाही के बारे में समझना है कि किस तरीके से हल्के हल्के टिहरी को राजशाही से मुक्ति दिलाई गई, तो आपको श्रीदेव सुमन के बारे में पढ़ना पड़ेगा, आपको श्रीदेव सुमन के बारे में सर्च करना पड़ेगा, और शायद आपको और भी कई कहानियां इसके विषय में मिलेंगी। लेकिन बद्रीनाथ धाम के द्वार खुल रहे हैं 18 मई से। टिहरी डैम की हम बात कर चुके हैं, और अब तीसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। तीसरी खबर की ओर जब हम बढ़ते हैं तो हम वापस आपको ले जाना चाहते हैं चमोली, जहां पर अभी एक बहुत बड़ी आपदा हुई है। इस आपदा में कई लोगों ने अपनी जान से हाथ धोया और कई लोग अभी भी लापता हैं। जहां तहां शरीर के
पार्ट्स मिल रहे हैं, मानव अंग मिल रहे हैं और जहां तहां लाशें भी हल्के हल्के मिलनी शुरू हो गई हैं। ऐसे में डीजीपी अशोक कुमार का एक बयान आया है, उन्होंने कहा है कि सर्च ऑपरेशंस, रेस्क्यू ऑपरेशंस और रिलीफ ऑपरेशंस चलते रहेंगे। हालांकि उन्हें उम्मीद है कि आगे आने वाले 3-4 दिनों में ये काम लगभग पूरा हो जाएगा, लेकिन सर्च ऑपरेशन, रेस्क्यू ऑपरेशन, रिलीफ ऑपरेशन जारी रहेंगे जब तक इसकी जरूरत होगी। टिल द लास्ट मैन इज फाउंड दीज ऑपरेशंस वुड कंटिन्यू। तो ये ऑपरेशंस कंटिन्यू रहेंगे जब तक कि आखिरी व्यक्ति भी मिल नहीं जाता। इसके बाद अगली खबर में हम चलते हैं, कोरोना की खबर है। 47 न्यू केसेस उत्तराखंड में मिले हैं और 615 एक्टिव केसेस अभी कोरोना के एज पर दी डेटा हैं। लेकिन देहरादून में तो संडे को बाजार बंद है, संडे को लगभग सारी दुकानें बंद हैं, शराब की दुकानों को छोड़ के, क्योंकि शराब की दुकान में कोरोना नहीं होता बॉस। जी हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसा होता है तो आप गलत हैं, देहरादून आके देखिए, सब बंद है लेकिन शराब की दुकानें संडे को खुली रहती हैं। तो कोरोना के 47 न्यू केसेस, और इसी के साथ आज एक प्रस्ताव जो है वो अनुमोदित हो चुका है उत्तराखंड में 100% अटेंडेंस का। जी हाँ, कोरोना के बाद सरकार भी, सरकार की कार्यालय और प्राइवेट कार्यालय सभी जगहों पर लगभग डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग की किवायत शुरू करी गई थी, और किवायत शुरू करी गई थी कि अटेंडेंस को भी कम रखा जाए ताकि लोग संक्रमित ना हो सकें। लेकिन आज 100% अटेंडेंस की घोषणा कर दी गई है, इस प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है मुख्यमंत्री ने। तो कुछ लोगों के लिए अच्छी खबर और कुछ लोगों के लिए बुरी खबर। आखिरी खबर की तरफ चलते हैं, बात करते हैं अगले फेस्टिवल की। तो उत्तराखंड का जो अगला फेस्टिवल है, यानी कि ये फेस्टिवल तो बद्रीनाथ के कपाट खुलने से पहले शुरू हो जाएगा। जी हाँ, कुंभ शुरू हो जाएगा उत्तराखंड में। 11 मार्च को तिथि है कुंभ की शुरुआत की, कुंभ का मेला। इस बार देखने वाली बात यह होगी कि इससे पहले वाला जो कुंभ उत्तर प्रदेश में हुआ है, प्रयागराज में हुआ है, उसकी ख्याति तो पूरी दुनिया में फैली है। ब्यूटीफुल मेला, बहुत ही सुंदर मेला, और क्या तैयारियां थी, देखना है कि क्या हरिद्वार वैसी ही तैयारी दिखा पाएगा, क्या कंपटीशन हो पाएगा प्रयागराज और हरिद्वार में, क्या कंपटीशन हो पाएगा आदित्यनाथ जी की तैयारी में और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की तैयारी में। मिलते हैं आपसे अगली तिथि पे, तब तक के लिए जय हिंद।